हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बाय ओगन वंस अगेन। फ्रेंड्स, आजकल इंडियन मेल्स के अंदर या फिर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी देखें तो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेल्स को फेस करनी पड़ती है, वो है प्री मैच्योर एजेकुलेशन, मतलब कि शीघ्र पतन। उसके बाद आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब कि जो पेनिस होता है उसमें बहुत ज़्यादा तनाव नहीं आना, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाना। पर इसके बारे में इंडिया में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोगों को ऐसा लगता है कि यह एक नॉर्मल बीमारी है। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि यह एक मतलब कि मेलनेस को हमारी को कम दिखाएगी और शर्म करते हैं वो इसी के कारण। भाई बहुत सारी गलत टैबलेट्स लेते हैं, गलत ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत सारे बाबाओं के पास जाते हैं, बहुत सारे टोने टोटके करवाते हैं, पर उनसे कुछ नहीं होता है, कंडीशन और वर्स्ट हो जाती है और वह स्ट्रेस में चले जाते हैं और उनके जो पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन था वह भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो फ्रेंड्स, आज की समय एक वीडियो में बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में, प्री मैच्योर एजुकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बहुत कम टाइमिंग है, बिल्कुल तनाव नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा थकावट लगती है, मेंटल थकावट चाहे फिजिकल थकावट, बिल्कुल फटी हो गई बॉडी। तो फ्रेंड्स, इन सारी प्रॉब्लम के लिए हम एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जो कि हम अपने बहुत सारे पेशेंट्स को दे चुके हैं और यह हमारी खुद की बनाई हुई खुद का कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसको हम बोलते हैं 5x फॉर्मूला। फ्रेंड्स, यह वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे उस फॉर्मूला को आपको घर पे ही रेडी करना है। आप चाहें तो आप लोग हमसे ही वह मेडिसिन मंगवा सकते हैं, तो कैसे आप लोगों को मेडिसिन मंगवानी है, कौन कौन सी मेडिसिन आप लोगों को मिलानी है, सारी की सारी हम जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुँचती रहे और आप अपने स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, इस समझेंगे वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि आप लोगों को इस फॉर्मूला को बनाने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन लेना है। तो पहली मेडिसिन है एग्नस कास्टस, इसको आप लोगों को 30 पोटेंसी में लेना है। फ्रेंड्स, यह बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर आप लोगों की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है सेक्स करने की, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है आप लोगों को अपने पार्टनर से बात करने की, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो आपका पेनिस है वह बिल्कुल रिलैक्स पड़ चुका है, उसमें बिल्कुल भी तनाव नहीं आ रहा, तो एग्नस कास्टस बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन है कैलेडियम, इसको भी 30 पोटेंसी में लेना है अगर आप लोगों को प्री मैच्योर एजुकुलेशन है, तो यह है उसको बहुत जल्दी ठीक करती है। फ्रेंड्स, तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम, यंग पीपल्स में, यंग मेल्स में अगर प्री मैच्योर एजुकुलेशन देखने को मिलता है और इसी के साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है तो यह मेडिसिन उसको ठीक करती है। फ्रेंड्स, चौथी मेडिसिन ऑनोस्मोडियम और लास्ट मेडिसिन है सायोडिया वल्गैरिस। फ्रेंड्स, इन पांचों को आप लोगों को 30 पोटेंसी में लेना है। अब हम बात करते हैं कि इनका क्या करना है। 30-30 पोटेंसी में आप लोगों को सबको 30 ml में लाना है और आप लोगों को एक खाली 100 ml की बोतल लेनी है। चारों पांचों मेडिसिन को आप लोगों को 20-20 ml मिलाना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, यह है आपका 5x फॉर्मूला रेडी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन को लेना कैसे। तो आप लोगों को दिन में दो बार सुबह शाम इसको दो दो ड्रॉप अपनी जवान पर लेना है, जिससे आप लोग देखेंगे कि आपको 20 से लेकर 25 दिन में ही बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लगता है कि यह फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है, फिर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो नीचे देखे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग हमसे प्रॉपर एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर यह फॉर्मूला भी बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप लोग नीचे देकर कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, हम आपको बहुत जल्द रिप्लाई करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए और दूसरे लोगों को शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर और पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो पहुँचती रहे।